हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज अपने पास एक सैमसंग का मोबाइल फोन आ चुका है और इस मोबाइल फोन पर इस प्रकार से लॉक आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये मोबाइल फोन लॉक हो चुका है, तो इस लॉक को आप लोग वन क्लिक से अनलॉक कर सकते हो। इस लॉक को मैं आज इस वीडियो में अनलॉक करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फोन आ जाता है और इस प्रकार से लॉक आता है आपके भी मोबाइल फोन पर, तो आप लोग भी वन क्लिक से इस लॉक को अनलॉक कर सकते हो, या फिर आप लोग ऑनलाइन के थ्रू मुझसे इस लॉक को रिमूव करवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मान लीजिए सैमसंग का कोई भी फोन आपके पास आया है और इस प्रकार से लॉक आता है, तो आपको इस लॉक को अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मोबाइल फोन को हार्ड रिसेट करना होगा दोस्तों, ठीक है। पावर की को लॉन्ग टाइम प्रेस करना, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देना। स्विच ऑफ करने के बाद, उसके बाद दोस्तों जैसे कंप्लीट स्विच ऑफ हो जाए, पावर की और वॉल्यूम अप की दोनों को एक साथ प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। पावर की वॉल्यूम अप की दोनों को एक साथ प्रेस करना। प्रेस करने के बाद जैसे मोबाइल फोन सैमसंग लोगो पे आ जाए, पावर की को छोड़ देना, पावर की को रिलीज कर देना, वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना। फोन आपका रिकवरी मोड में एंटर हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करना, बीप डेटा फैक्ट्री रिसेट को सिलेक्ट करना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पावर की को प्रेस कर देना, बीप डेटा फैक्ट्री रिसेट को सिलेक्ट करके पावर की को प्रेस करना, वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके फैक्ट्री डाटा रिसेट को सिलेक्ट करना, उसके बाद पावर की को प्रेस कर देना। अब आपका मोबाइल फोन हार्ड रिसेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों रिबूट सिस्टम नाउ को सिलेक्ट करके पावर की को प्रेस करना। उसके बाद आपका फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय ले सकता है। उसके बाद फोन आपका कंप्लीट ऑन होकर होम स्क्रीन पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं सैमसंग लोगों पे ये मोबाइल फोन कम से कम 5 मिनट या फिर 10 मिनट का टाइम ले सकता है। आप लोग 5 से 10 मिनट तक का इंतजार कर लेना। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है। उसके बाद फोन आपका कंप्लीट ऑन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इस मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस मोबाइल फोन में जो लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी और आपको दो टूल की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मैं अपने दोनों टूल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल फोन में इमरजेंसी कॉल को ओपन करके *#0* कोड डायल कर देना है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल फोन को ऑन करना, इमरजेंसी कॉल में क्लिक करना, उसके बाद में *#0* कोड डायल कर देना। मोबाइल फोन में टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग मोबाइल फोन को भी देख पा रहे हैं, *#0* डायल करने के बाद मोबाइल फोन में टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद डिवाइस मैनेजर को ओपन करके सेट करना। सेट करने के बाद यहां पर आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि सैम FWFRP टूल। आप लोग किसी भी ADB इनेबल टूल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं सैम FWFRP टूल को यूज करूंगा। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे ही ओपन होकर आपके सामने आ जाए, अब मोबाइल फोन में इमरजेंसी कॉल में *#0* कोड डायल करने के बाद मोबाइल फोन में USB केबल कनेक्ट कर देना दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप लोग मोबाइल फोन में USB केबल कनेक्ट करोगे, यहां पर आपके टूल में सैमसंग ड्राइवर शो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा ये मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी A22 है, तो हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, जो लॉक बाईपास टूल है उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको फोल्डर मिलेंगे, सबको ओपन करना। सबको ओपन करने के बाद सबसे नीचे यहां पर आपको मिलेगा एलोन बाईपास एंड्रॉइड 12 वर्जन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल फोन में USB केबल लगा देना। लगाने के बाद दोस्तों अब आपको सैम FWFRP टूल में आना है और यहां पर रिमूव FRP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रिमूव FRP के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, यहां पर टूल में प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का ADB इनेबल करना होगा। सैम FWFRP टूल या फिर किसी अदर टूल का यूज करके आप लोग मोबाइल फोन की ADB को इनेबल करना। यहां पर ये *#0* डायल करने को बोल रहा है, हम ऑलरेडी डायल कर चुके हैं। इसके बाद में इसे ओके करना। ओके करने के बाद अब ये इनेबलिंग ADB यहां पर ADB को इनेबल कर देगा दोस्तों। यहां पर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर आपको टूल में एक मैसेज देखने को मिलेगा USB डबिंग को अलाउ करने के लिए। जैसे ही इस प्रकार से टूल में जो मैसेज देखने को मिल जाएगा, आपको इस प्रकार से एक मैसेज मिलेगा और यही मैसेज दोस्तों आपको मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा। आपको जिग लगा के अलाउ करना है, उसके बाद में एलोन बाईपास टूल को रन करना है। जैसे ही आप लोग रन करोगे, उसके बाद दोस्तों एक एक करके ये लॉक रिमूव करने में स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम 5 से 10 या फिर दोस्तों सॉरी, ये कम से कम 1 मिनट में आपका जो मोबाइल फोन में लॉक है उसको बाईपास कर देगा दोस्तों, ठीक है। एक एक करके प्रोसेस स्टार्ट हो गया और आपके मोबाइल फोन में देखो इस प्रकार से USB डबिंग को अलाउ करने के लिए मैसेज आएगा। इसको अलाउ करते जाना है, अलाउ करते जाना है। टूल में भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया और मोबाइल फोन में मैसेज देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो लॉक है वो एक एक करके अनलॉक हो चुका है। इस प्रकार से आपको मोबाइल फोन में काफी सारे मैसेज देखने को मिलेंगे और दोबारा से फाइनेंस लॉक आ जाएगा। लेकिन आपको मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ना ही कोई छेड़छाड़ करना है। ऑटोमेटिक आपका फोन स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं हमारा मोबाइल फोन कंप्लीटली स्विच ऑफ होने वाला है। ये स्विच ऑफ हो चुका है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप लोग मोबाइल में देखो, ये मोबाइल फोन स्विच ऑफ होकर रीस्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है।
अब जो हमारा लॉक आ रहा था होम स्क्रीन पर वो रिमूव हो गया, वो बाईपास हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन रीस्टार्ट होने में एक मिनट का समय लगता है, आप लोग एक मिनट तक इंतजार करना। हमारा जो लॉक लगा हुआ था वो रिमूव हो चुका है, सक्सेसफुल डन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सिंपल मेथड है, आपको *H0* कोड डाल करके मोबाइल फोन को कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल या फिर किसी अदर टूल से मोबाइल फोन का जो ADB होता है उसको इनेबल करना है, USB डबिंग को आपको अलाउ करना है, उसके बाद में जो लॉक बाईपास टूल है उसको आपको रन करना है, ऑटोमेटिक आपके टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका मोबाइल फोन है सक्सेसफुल अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आई जो बाईपास FRP फोन डन इनस्टॉल होम की होम स्क्रीन की दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल फोन भी कंप्लीट ऑन हो चुका है, उसके बाद इसको अलाउ करना। इस प्रकार से दोस्तों जब मोबाइल फोन ऑन होगा तो थोड़ा स्लो चलेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग आराम से एडजस्ट करके धीरे धीरे उसको सेटअप कंप्लीट करना। देखो इस प्रकार से ये थोड़ा स्लो चल रहा है, पावर की को प्रेस किया मैंने, उसके बाद में इसको ऑन कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस टूल का काम सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर नीचे देखो सक्सेस लिख के आ गया, और मोबाइल फोन में आपको जिग लगा के नेक्स्ट करना होगा, जिग लगा के एक अच्छे से नेक्स्ट करना, उसके बाद में ये मोबाइल फोन आपका कंप्लीट ऑन होकर होम स्क्रीन पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो मोबाइल फोन है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है, ऑन होकर होम स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमारे टूल का भी काम जो है पूरा हो चुका है दोस्तों, ठीक है, टूल का भी काम हो गया। उसके बाद दोस्तों अब इस मोबाइल फोन में थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, अगर आप लोगों ने ये सेटिंग नहीं की तो आपका जो मोबाइल है वहां पर ये नेविगेशन बार जो बटन होते हैं वो भी काम नहीं करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन की ये भी काम नहीं करेगी, उसके बाद में यहां पर आप लोगों को जो शटर होता है ऊपर से नोटिफिकेशन शटर वो भी काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सेटिंग ओपन करना है, एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में आना है और यहां पर इंस्टॉलेट सर्विसेज इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो मैंने आपको पीछे फोटो ओपन करके रखा है सेम यही मतलब सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेट सर्विसेज में जितने भी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर नेविगेशन बार और यहाँ पर आपको साउंड पैनल, इन सबको आपको ऑन करना होगा। अभी ये ऑफ है, इन सबको आपको ऑन करना होगा दोस्तों, ठीक है। इन सबको जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपका नेविगेशन बार नीचे आ जाएगा, देखो आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको भी इसको सेट करना होगा, इसको भी आपको अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वॉल्यूम पैनल को भी अलाउ, इसमें आप लोग थोड़ी सेटिंग कर सकते हो, आपको जैसा मतलब अच्छा लगे आप लोग नेविगेशन बार को सेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इधर से उधर हो जाएगा, देखो हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको सबको एक एक करके ऑन करना होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी सैमसंग के सभी मोबाइल फोन का ये लॉक आराम से बाईपास कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं मैंने सबको सेट कर लिया। अब जो मेरा मोबाइल फोन है उसमें नेविगेशन बार भी आ गया, बटन भी आ गया, और उसके साथ साथ मेरा जो वॉल्यूम पैनल है वो भी अच्छे से काम करेगा, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन शटर है वो भी अच्छे से काम करेगा दोस्तों, ठीक है। कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, सब वन क्लिक से हो जाता है। अगर आप लोग इसको ना कर पाए तो आप लोग दोस्तों इसमें लास्ट सेटिंग और करनी होगी आपको, वरना आपका मोबाइल फोन 2-4 दिन के बाद ऑटोमेटिक दोबारा से लॉक हो जाएगा। आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट सिस्टम, इसको आपको डिसेबल करना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग इसको डिसेबल नहीं करते हो तो आपका फोन 6-7 दिन 5-6 दिन चलेगा, उसके बाद दोबारा से लॉक हो जाएगा। आपको डेवलपर वाले ऑप्शन में जाकर ऑटो सिस्टम अपडेट को डिसेबल करना होगा, जितने भी अपडेट आते हैं सबको डिसेबल करना होगा, उसके बाद आपका फोन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। आप लोग देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन शटर भी काम कर रहा है, बटन भी, नेविगेशन बार भी आ गया, वॉल्यूम अप एंड डाउन की दोनों काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सैमसंग के इस मोबाइल फोन का या फिर किसी अदर मोबाइल फोन का ये लॉक वन क्लिक से अनलॉक कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से अनलॉक हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर आप लोग इस लॉक को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन के थ्रू मुझसे ये लॉक रिमूव करवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आपका बिल्कुल वन क्लिक से मैं अनलॉक कर दूंगा, बिल्कुल फोन नॉर्मल हो जाता है, कोई एरर नहीं मिलेगा, कोई भी इशू नहीं मिलेगा, आपका सिम कार्ड भी काम करेगा, IMEI नंबर भी आपका बिल्कुल सेव रहेगा, कोई भी एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आप लोग देख पा रहे हैं चल रहा है फोन। आप लोग इसको अपडेट मत करो, रिसेट मत करो, लाइफ टाइम तक आप लोग इस फोन को यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है।